मूल्यों का, आदर्शों का, इंसानियत का गला घोट दिया है मासूमियत का। पर जम्मू कश्मीर की समस्या जस की तस है। क्या ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं? ये है जम्मू, हमारा जम्मू, हम भारतवासियों का जम्मू। आतंकवाद समाप्त कर। ये एक दर्दनाक सवाल है जो मन की गहराई से जहन से आ रहा है। आग की लपेट में जलता ये सवाल फैल रहा है मन मस्तिष्क में। हम ना जाते ना भागे, क्या हम शरणार्थी ही बनकर रहेंगे? जिएंगे मरेंगे शरणार्थी बनकर, विस्थापित हमेशा के लिए। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल है, इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना। इसके चलते तथ्य नेपथ्य में चले गए और कुतर्कों का माया जाल रचा गया। पूर्वाग्रहों के साथ मिलकर इन कुतर्कों ने अलगावाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की, जिस पर पाकिस्तान की कुख्यात आईएसआई की मदद से आतंक की फसल बोई और काटी जा रही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कांग्रेस भी बुरा नहीं मानेगी। दूसरी ओर नेहरू और उनके माध्यम से माउंटबेटन भी महाराजा हरि सिंह पर यह दबाव बना रहे थे कि विलय से पूर्व शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंप। आश्चर्य कि आप मुझे ही राज्य से बाहर जाने का सुझाव दे रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को सीमा के भीतर घुस आने का अवसर मिल गया। एक अन्य घोषणा के द्वारा 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कमी पूरी कर दी। एक भाग में मुस्लिम बाहुल्य के जिले बैठ हैं और दूसरे में प्रांत के अन्य भागों के प्रत्येक विधानसभा के सदस्य अलग अलग मतदान के द्वारा प्रांत के विभाजन का निर्णय करें। पाकिस्तान होकर रहेगा। मुस्लिम लीग की मांग पर पाकिस्तान नाम के एक नए देश का उदय हुआ, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना वहां के पहले गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आतुर कांग्रेस कार्य समिति ने इस अध्याय का विरोध करने के स्थान पर किसी भी कीमत पर मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये से मुक्ति पाने को प्राथमिकता दी। साथ ही यह भी निश्चित है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई उसका बीजारोपण ही न होता। इस विलय पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का स्थायी भाग रहेगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा मेरे इस विलय पत्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन की असंवैधानिक गलती को क्यों दोहराया? इसके साथ ही पूरे जम्मू में प्रत्यक्ष आंदोलन प्रारंभ हो गया। शेख शाही के खिलाफ 5 मार्च 1953 तक यह आंदोलन निरंतर चलता रहा। पर भारत और भारतीयों को तुम कश्मीर में कोई अधिकार देना नहीं चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात नहीं कर सकता। विश्व को सुख शांति दात्री जो यहां संस्कृति परी। क्या चाहते हैं हम, समय के साथ बदलता भारत या भारत के साथ बदलता विश्व?